बुलंदर सलवा दिए इमाम जमाना बुलंदर सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वालिहि तय्यिबीन तौहिरीन खैरुल मुबशरीन वल मंजरीन शफीउल मुज़निबीन अल मुखातिबे ताहा व यासीन अल नबी मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु तय्यिबीन तौहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहे अला दाएहि मजमईन मैं योमिना हाज़ा इला योमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक ताला फी किताबिल मुबीन वहुवा अज़दक सादिकीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिसा अहलल बैती वयुताहिरकुम तत्हीरा सलाम तमाम हम्द सना उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो लाई के हम्द सना है जिसकी हम्द हमागीर है जिसकी अजमत शान बुलंद है जिसकी नेमतों से किसी का दामन खाली नहीं ना उसकी मगफरत से कोई मायूस है। तमाम हम्द सना उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने हम्द को अपने जिक्र का इफ्तिताहिया करार दिया। बेशक बाबरकत है वो परवरदिगार कि जिसकी जात तक हिम्मतों की बुलंदियां पहुंच नहीं सकती और अकलो फहम की जहानतें उसे पा नहीं सकती। शुक्र है उस खुदा का कि जो अपने फजलो करम का दामन फैलाए हुए है और अपने जोदो अता का हाथ बढ़ाए हुए है। और लाखों दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कि जो नबी रहमत हैं और आपकी आल पर कि जो उम्मत के लिए समाने शिफात और दीन के लिए रोशन मीनार हैं। बेशक ये मोहम्मद और आले मोहम्मद ही वो हस्तियां हैं कि जिन्हें पैदा करते ही खुद पैदा करने वाला दुरूद में मसरूफ हो गया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले तो मोमिनार आले मोहम्मद की मिसाल आसमान के सितारों की मानिंद है कि जब एक सितारा गायब हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा सितारा नमूदार हो जाता है। और ये मोहम्मद और आले मोहम्मद एक नुक्ताए एतदाल हैं कि जिससे आगे बढ़ जाने वाले पलट कर उनसे मुलहिक हो जाते हैं
और पीछे रह जाने वाले आगे बढ़कर उनसे मिल जाते हैं। आज मेरा मौजू गुफ्तगु शहजादी कौन है हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। और हम परवरदिगार आलम के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अज़ाए जनाबे सैयदा बिछाने की तौफीक इनायत फरमाई। इस तौफीक पर हम परवरदिगार आलम का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें अज़ाए जनाबे सैयदा बिछाने, इस फर्श पर आने और जनाबे सैयदा की शान में कुछ बयान करने की सआदत बख्शी। क्योंकि ये वो बीबी है कि जिसके फजाइल बयान करना हर एक के बस की बात नहीं, और अगर हम जनाबे सैयदा के फजाइल बयान करना भी चाहें तो हमारी जबान जो है वो जनाबे सैयदा के फजाइल और मसाइब बयान करने से कासिर है, और अगर हम जनाबे सैयदा की फजाइल और मसाइब लिखना चाहें तो हमारा कलम जो है जनाबे सैयदा के फजाइल और मसाइब लिखने से भी कासिर है। क्योंकि इस बीबी के फजाइल बयान करने के लिए या तो अल्लाह का कुरान होना चाहिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा की जबान होनी चाहिए। तो वो बीबी कि जिसका मदहा खां खुद मालिक अर्ज़ो समा हो, कि जिसकी मिधा परवरदिगार आलम कुरान मजीद में बयान कर रहा है, तो पहला गवाह तो जनाबे सैयदा के फजाइल का बयान करने वाला खुद मालिक अर्ज़ो समा है और दूसरा गवाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि कुरान मजीद में अगर हम ये देखें तो कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, 114, और आपने गौर भी नहीं किया कि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। तो परवरदिगार आलम भी कुरान मजीद में ये पसंद करता है कि 114 मौजूद हो। तो अगर हम जनाबे सैयदा को देखें तो हर आयत जनाबे सैयदा के फजाइल बयान करती हुई नजर आती है कि सूरतुल कौसर में आप नस्ले कसीर की बानी नजर आती है, और कुरान मजीद का बहुत मुख्तसर सा सूरा है जिसे सूरतुल कौसर कहा जाता है कि अगर इसका हम शाने नजूल देखें तो ये मिलता है कि जब नबी करीम के साहबजादे का इंतकाल हो गया था तो उस वक्त कुफार ने, खासकर आपके चचा ने नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला आपको अबतर कहना शुरू कर दिया था। तो देखिए अबतर के मायने क्या हैं, अबतर के मायने हैं कट जाना, मुनकता हो जाना, यानी नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए हैं, आपकी नस्ल कट गई है, अब आपका कोई नाम लेवा ना होगा। ये सुनकर जाहिर एक तरफ तो औलाद का सदमा था, दूसरी तरफ जालिम के ये तंजो नश्तर, बस नबी करीम की आंखों में आंसू आ गए। मगर दिल के नक्श पढ़ लेने वाले ने देख लिया, कहा जाओ जिब्राइल मेरे हबीब को ये खुशखबरी सुना दो कि हमने तुम्हें कौसर अता की है। अब कौसर के मायने क्या हैं? कौसर के मायने हैं छा जाना, फैल जाना, गालिब आ जाना, यानी ये हबीब रंजीदा ना हो, हमने आपको कौसर अता की यानी नस्ले कसीर अता की कि जो छा जाएगी फैल जाएगी गालिब आ जाएगी। दुरूद भेज दे मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर हम आज भी देखें तो दुनिया में 56 से ज्यादा इस्लामी मुमालिक ऐसे हैं कि जो आपके नाम लेवा हैं। दुनिया का कोई इलाका, कोई खित्ता, कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जहां नबी करीम के सादात मौजूद ना हो, जहां आपके चाहने वाले मौजूद ना हो, जहां आपके नाम लेने वाले मौजूद ना हो। और वो जो नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला आपको अबतर कह रहे थे, उनका क्या हुआ? या तो नस्ल वाकई खत्म हो गई,
या बाप दादा इस कदर जलील खार हुए हैं कि कोई उनका नाम लेने को तैयार ही नहीं। तो बस परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से फरमा दिया कि हबीब हम तुम्हें क्या कुछ ना दे सकते थे, लेकिन बेटी की दौलत से इसलिए नवाजा ताकि एक अजली नूर की यकजाई जो सुलबे अब्दुल्ला और सुलबे अबू तालिब में आकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी फिर यकजा हो जाए, वगरना ये मुमकिन था कि फर्जंद की दौलत से महरूम पैगंबर हो, कौनैन के मालिक की तकदीर में दुख्तर हो। मिंशा था ये कुदरत का एक नूर के दो टुकड़े, जहरा और अली बनकर मिल जाएं तो बेहतर हो। दुरुस्त बेटे मामा तो बस जब तमाम अरब के कबाइल नबी करीम के मुखालिफ हो गए तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अगर तुम ये तस्लीम नहीं करते कि मेरा हबीब नबी है तो फिर इस जैसी एक किताब बना लाओ, और अगर किताब बनाकर नहीं ला सकते तो चलो 10 सूरों का जवाब लेकर आ जाओ, और अगर 10 सूरों का भी जवाब लाने से कासिर हो तो ये सूरतुल कौसर की जो बहुत मुख्तसर सी सूरा है इसका जवाब लेकर आ जाओ। तो देखें जब सूरतुल कौसर नाजिल हुआ तो रसूल खुदा ने फरमाया कि या अली इसको लिख लो और लिखने के बाद खाने काबा में जाकर लटका दो। अब हाथ मौजजा जो लिख रहा है वो खुद मौजजा, और जिसकी शान में नाजिल हो रही है वो बीबी भी मौजजा। भला अब कोई इस मौजजे का जवाब ला सकता है? बस हुक्म रसूल पाया और जाकर सूरतुल कौसर को खाने काबा में लटका दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि खाने काबा में लटकाया क्यों गया? तो देखिए तारीख बताती है कि उस जमाने में जितने भी मशहूर मशहूर शोरा होते थे वो अपना कलाम लिखने के बाद खाने काबा में लटका देते थे कि हम जैसा तो लिखने वाला कोई है ही नहीं। तो उस वक्त नबी करीम ने मौला अली को हुक्म दिया कि जाओ ये सूरतुल कौसर लटका दो, कि आप सारे अरब के लिए ये चैलेंज है कि इस जैसी एक सूरा ही बना कर ले आओ। तो जितने भी अरब के बड़े बड़े शायर थे सबके लिए एक चैलेंज आ गया। अब सब सर जोड़कर बैठ गए और इस सूरा का जवाब लाने की कोशिश करने लगे। तो तारिक ने लिखा कि अरब में एक बहुत मशहूर शायर था कि उस जैसा कसीदा तो कोई लिख ही नहीं सकता था कि जिसका नाम था शाशा। वो पूरी साल जो है कलाम नहीं करता था ताकि कहीं मेरी फसाहत तो बलागत कम ना हो जाए। तो जो भी शायर अपना कलाम लिखता था तो शाशा का ये मामूल था कि वो शाम में जब टहलने के लिए निकलता था चहलकदमी के लिए निकलता था तो वो मशहूर शोरा जो उस जमाने में मौजूद थे वो अपने कलाम को लिखने के बाद शाशा के पास लेकर आते थे कि जरा ये हमारा कलाम है इसकी तसीह कर दीजिए, इसकी नोक पलक ठीक कर दीजिए। तो वो बोलता तो था नहीं, टहलते टहलते वो पढ़ता था और कलम उठाकर उसकी तसीह कर दिया करता था। अब जब सूरतुल कौसर को खाने काबा में लटकाया गया तो ये मशहूर शोरा जो है सूरतुल कौसर को शाशा के पास लेकर आए और कहने लगे कि इसको जरा सही कर दीजिए। शाशा टहलता हुआ देखता रहा पढ़ता रहा, फिर जरा कलम उठाने की कोशिश की, फिर कलम रख दिया, फिर पढ़ा, फिर कलम उठाने की कोशिश की, फिर रख दिया। यहाँ तक कि जब 3 मर्तबा उसने पढ़ लिया तो उसने वो शाशा जो सारी जिंदगी सारी साल कलाम नहीं करता था कहीं मेरी फसाहत तो बलागत कम ना हो जाए वो कह उठा कि माँ हाजा मन कलाम उल बशर, कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। दुरुस्त भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सूरतुल कौसर में जनाबे सैयदा नस्ले कसीर की बानी नजर आती हैं। आयते मुबाहिला में आप तौहीद की शाहिदा नजर आती हैं। सूरह हलका में
आप सखावत और इसार का मुजस्मा नजर आती हैं, पेकर नजर आती हैं। और कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब के जो 33वां सूरह है उसकी 33वीं आयत में परवरदिगार आलम ने जनाब सैयदा की तहारत की गवाही दे दी और इरशाद फरमा दिया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्तुमुर रिज़्ज़ा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो परवरदिगार आलम ने जनाब सैयदा की तहारत की गवाही दी और वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि मैं अल्लाह ये इरादा करता हूँ, ये इरादा रखता हूँ कि रिश्त से आप अहले बैत को दूर रखो। अगर इस आयत को देखा जाए तो हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि इसमें अहले बैत अतहार शरीक हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का कहना यह है कि इसमें अज़वाज रसूल भी शामिल हैं। तो इस सिलसिले में अगर हम अरबी ग्रामर देखें तो अरबी ग्रामर हमें ये बताती है कि जहाँ मोनस का सेगा इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ खवतीन ज्यादा हैं वहाँ मोनस का सेगा इस्तेमाल होता है, और जहाँ मर्द ज्यादा हैं वहाँ मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल होता है। अगर हम इस आयाए तथीर को देखें तो इसमें परवरदिगार आलम ने मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया है। अब मुजक्कर का क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि इस आयाए तथीर में जो शामिल हैं उनमें मर्द ज्यादा हैं और बीबी फातिमा जहरा एक खातून है, जबकि इससे पहले वाली आयात को अगर देखा जाए तो इसमें परवरदिगार आलम अज़्दवाजे रसूल को तंबीह करता हुआ नजर आ रहा है कि अज़्दवाजे रसूल तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं। तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि इससे पहले वाली आयात जिसमें अज़्दवाजे रसूल की तंबीह की जा रही है, यानी उनको ये फरमाया जा रहा है कि वो दूसरी औरतों जैसी नहीं, तो यहाँ फजीलत क्या है? फजीलत नबी से निस्बत है। नबी के निस्बत होने की वजह से वो अज़्दवाजे रसूल आम औरतों जैसी नहीं। तो इसमें फखर की बात नहीं है कि अज़्दवाजे रसूल अपने ऊपर कोई फखर करें, क्योंकि उनकी निस्बत रसूल की वजह से है। रसूल की वजह से ही कहा जा रहा है कि आप आम औरतों जैसी नहीं, इसलिए मोनस का सीगा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आयाए तथीर वो है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें मर्द ज्यादा और जनाब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा एक है। दुरूद भेजे मोहम्मद अली। तो देखिए अब तारीख ये कहती है कि दुनिया में इस कायनात में पांच हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्होंने इतना गिरिया किया कि उन जैसा गिरिया कोई कर नहीं सका, और उनमें पहली हस्ती जनाबे आदम अलैहिस्सलाम है। जनाबे आदम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो उस पर गिरिया किया, और फिर जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उस वक्त जनाबे आदम बहुत रोए, लेकिन परवरदिगार आलम ने इस बात को जनाबे आदम से पोशीदा रखा, क्योंकि औलाद का सदमा जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब जनाबे आदम औलाद के लिए तड़पते थे, याद करते थे, रोते थे, तो फिर हुक्म दिया जिब्राइल को कि जाओ जिब्राइल आदम को जाके बता दो कि काबिल ने हाबील का कत्ल कर दिया है। अब जब जनाबे आदम ने यह सुना तो जनाबे आदम रोने लगे, और जनाबे जिब्राइल ने कहा कि चले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ जनाबे हाबील को कत्ल किया गया है। तो वो जगह दिखाई गई तो वहां पत्थर पे पत्थर बना के कब्र बना दी गई थी उनकी। तो जनाबे जिब्राइल ने कहा ये वो मकाम है कि जहाँ काबिल ने हाबील के पत्थर उठाकर मार दिया था, और वो सो रहे थे, उनका हाथ पेशानी पे था, और फिर उनकी कब्र बनाने के लिए यहाँ वो पत्थर पे पत्थर रखता गया, इस तरह उनकी कब्र बन गई। तो ये सुनकर जनाबे आदम जो है बहुत रोए,
और रोने के बाद रोते जाते थे और पत्थर हटाते जाते थे। जब पत्थर हटाते गए तो उनके हाथ में हाबील का हाथ आ गया। तीसरी हस्ती हो गई जनाबे यूसुफ। अब हम चौथी को छोड़कर पहले पांचवी का जिक्र कर लें। पांचवे हमारे यही चौथे इमाम जैनुल आबदीन हैं कि बादे करबला तारीख ने लिखा कि आप करबला के मसाइब को 35 बरस या 40 बरस तक याद कर रोते रहे कि एक दिन एक शख्स आपसे मिलने के लिए आया और कहा कि मौला कहाँ है। गुलाम ने कहा कि वो बाग में सैर करने गए हैं। वो शख्स कहता है मैं भी बाग सैर के लिए निकल गया। बाग में पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि मौला ने अपनी अबा बिछाई हुई है और वाह हुसैना कर रो रहे हैं। कहा मौला आप तो बाग में सैर करने के लिए आए थे, ये गिरिया कैसा। कहा ऐ शख्स मैं जब भी बहता हुआ पानी देखता हूँ मुझे करबला याद आ जाती है। हाय मेरा बाबा किस तरह भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। तो देखिए चौथी हस्ती हमारे चौथे इमाम की है और पांचवी हस्ती जनाबे सैयदा की है कि तारीख लिखती है कि किसी ने इतना गिरिया नहीं किया कि जितना जनाबे सैयदा ने गिरिया किया। कितने दिन गिरिया किया बीबी ने, तारीख बताती है 75 दिन या 95 दिन। लेकिन उल्मा ने सवाल कर दिया कि बीबी तो 75 दिन या 95 दिन रोई और जो इतने सालों रोते रहे उनसे ज्यादा बीबी का गिरिया क्यों शुमार किया जाता है। तो उल्मा ही ने इसका जवाब दिया कि देखो दिनों की तादाद को ना देखो बल्कि दिनों की शिद्दत को देखो कि 18 बरस की है जनाबे सैयदा, इतने मसाइब पड़े कि सर के बाल सफेद हो गए। हाँ आजादाराने इमाम, बीबी खुद फरमाती थी कि बाबा जान आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि अगर दिनों पर पड़ते तो रातों की तरह सिया हो जाते। आजादाराने इमाम, तारीख ये भी बताती है कि 9 हिजरी से लेके 11 हिजरी तक हजारों की तादाद बनती है कि रसूल इस दरवाजे पर आकर सलाम किया करते थे। तो रसूल दरवाजे का एहतराम बतला रहे थे, घर वालों का एहतराम तो सारी जिंदगी बताते आए हैं कि इस दरवाजे का एहतराम ये है कि जब रसूल खुदा की रहलत का वक्त करीब आया तो किसी ने दफ्तर बाप किया। जनाबे सैयदा फरमाती है कौन है, कहा मैं रसूल से मिलने आया हूँ। कहा मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, जा अभी वापस चला जा। कहा जाता है उसने फिर दफ्तर बाप किया। फिर जनाबे सैयदा ने यही फरमाया, लेकिन जब उसने तीसरी मर्तबा दफ्तर बाप किया तो रसूल फरमाते हैं बेटी ये तेरे दरवाजे का एहतराम है वरना मलकुल मौत किसी से इजाजत तलब नहीं करता। हाँ ज़ादाराने इमाम, बीबी वो है कि हमारे हर इमाम ने बीबी के मसाइब को बयान किया है और तारीख ये भी लिखती है कि 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिन्हें गुस्ल देने वाले गुस्ल देते देते रुक गए और रोने लगे। पहला जनाजा सैयद सज्जाद का है, इमाम मोहम्मद पाकर और जब गुस्ल देने के लिए
बताओ कि सकीना का कुर्ता उतार के गुसल दूं या कुर्ता समेत गुसल दूं। गायब भी अम्मा कुर्ता ना उतारिएगा, मेरी बहन का बदन इतना जख्मी है कि आप ठीक ना सकेगी। और तीसरा जनाजा बीबी फातिमा से रह गए, फातह खैबर गुसल दे रहे हैं, गुसल दे 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 मौला की चीख बुलंद हुई क्योंकि पहलू पर नील का निशान मौजूद था। जनाबे पिज्जा दौड़ती हुई आई, कहा यार क्या खुदा के शेर भी रोते, कहा पिज्जा सैयदा ने मुझसे सारी जिंदगी छुपाया कि सैयदा का पहलू चिकित्सा था और पसलियां टूटी हुई। हाँ सदारा नहीं माँ मौलाली ने जब बीबी को सुपुर्द लहद करना चाहे गुशाए लहद से दो हाथ नमोदार इन हाथों को अली से बेहतर कौन जान सकता था कि जब इन हाथों को देखा का सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपने जो अमानत मुझे सौंपी अपनी सारी कायनात आज वो मैं वापस कर रहा।